as the hours pass, we're gonna do it all again. पोखरा पहुंच गए थे वैसे टाइम पे ही, और थोड़ा नहाने के बाद थोड़ा सा फ्रेशन अप हो गए और सोचा कि थोड़ा सा पोखरा घूम लेते हैं। सो लेट मी शो यू अराउंड। अभी पोखरा का नाइट लाइफ एकदम चालू एकदम हो गया है, चारों तरफ लाइटें ही लाइटें और रोड्स इतने क्लीन और एक से एक रेस्टोरेंट, एक से एक जगह है घूमने के लिए यहाँ पे। तो लेट मी शो यू अराउंड। अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा बाहर, थोड़ा सा पीने पाने का प्लान है, फिर डिनर करेंगे, फिर वापस अपने रूम आ जाएंगे। स्टे वन नाइट एट पोखरा, फिर पोखरा से कल निकलेंगे हम लोग। सो लेट मी शो यू अराउंड। एक चीज़ बड़ा मैंने नोटिस करा पोखरा में कि बाइक स्कूटी और गाड़ी वाले ट्रैफिक बकायदा तरीके से फॉलो करते हैं। ये ओवरटेक, मैक्सिमम ओवरटेक ये नहीं करते हैं और एकदम लाइन में सीधे सीधे चलते हैं, उस साइड भी इस साइड भी एकदम। ये चीज़ सही है, ऐसा कुछ दिखता है। स्ट्रीट्स काफ़ी क्लीन है और भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑब्वियसली टूरिस्ट स्पॉट है। और बट खाने के लिए एकदम फुल हर जगह पर बारबेक्यू, वेस्टर्न फूड्स आपको हर जगह मिल जाएगा, सुविधा ले जाने के लिए और ख़रीदारी के लिए कुछ भी मतलब ख़रीदना आपको यहाँ पे एक से एक चीज़ मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकले दर्शन के लिए तालबाराही मंदिर में, और जैसे हम निकले तो बाहर अजीब सा सन्नाटा सा, खाली खाली सा लग रहा था, वही सेम प्लेस जब हम रात को आए थे। बट नेवरदलेस साफ सफाई है अभी भी, कोई कूड़ा कचरा गंदगी ऐसा कुछ बाहर कुछ नहीं दिखा बिल्कुल भी। तो आप आते ही ना ये बोर्ड दिखेगा आपको एंट्री में, यहाँ से एंट्री नहीं करना है, आप उधर से कर सकते हो, वहाँ पे आपको जैकेट वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। तो आना भी वहीं से वापसी, फिर आते वक्त पूरी फैमिली बैठ गई यहीं पे। और जैसे फेवा ताल का ये रहा पूरा व्यू, ऐसा कुछ दिख रहा है, यही है मंदिर जो टापू से दिख रहा है। मंदिर के अंदर ही सारा, ये टापू के अंदर ही सारा कुछ मंदिर है और वहीं पे पूजा अर्चना सारा कुछ होता है। इस टापू को बोलते हैं ताल बाराही। इस ताल का गहराई है अराउंड 23 मीटर और 4.5 किलोमीटर है लंबाई इस ताल का। इसकी जो चौड़ाई है वो 2 किलोमीटर है प्रॉपर। यहाँ पे बोटिंग वगैरह तो होता ही है, बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो ये टापू से बना हुआ, यहाँ पे लोग मंदिर वंदिर में पूजा वगैरह पूजा अर्चना करने आते हैं। बहुत ही प्यारा सा व्यू है यहाँ से। तो चलिए, पूजा वजा वगैरह हो गया है, जैसे मैंने बोला था कि मंदिर के अंदर जाना अलाउड नहीं है, वीडियो अलाउड नहीं है या फोटो अलाउड नहीं है। थोड़ा बहुत आप कर सकते हो लेकिन फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हमने अंदर कुछ नहीं लिया,
अभी सारा कुछ यहाँ पे पूजा खत्म होने के बाद अब हम वापस जा रहे होटल की तरफ। फाइनली गाइस, दिस मार्क्स द एंड ऑफ माय जर्नी फ्रॉम इंडिया टू काठमांडू एंड फ्रॉम काठमांडू टू मुक्तिनाथ एंड फ्रॉम मुक्तिनाथ बैक टू पोखरा। सो इस टाइम का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो टिल नेक्स्ट टाइम, सी यू। खड़ा।